हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कुकिंग विद चित्र रेखा में। और आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी, जिसके लिए देखिए हमने साबूदाने को 3 से 4 पानी से धो लिया है अच्छे से। उसके बाद हमने एक बोल साबूदाना लिया और जितना लेवल पे साबूदाना था उतना ही पानी लेकर के हमने इसे 5 से 6 घंटे तक भिगो के रख दिया। और उसके बाद हमने इसका सारा पानी जो है ड्रेन कर लिया है। तो ये देखिए, अब इधर हमने बारीक कटे आलू ले लिए हैं, हरी मिर्च, हमने कद्दूकस किया हुआ अदरक लिया है, मीठी नीम, और उसके बाद हमने जीरा लिया है, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हमने बारीक कटा टमाटर लिया है, तो चलिए धनिया पत्ती भी हमने ले ली। हम कुछ मूंगफली अभी फ्राई कर लेंगे और इन सभी के साथ चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ हम कच्ची मूंगफलियों को अच्छे से जो है तेल में भून लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से भून गई है हमारी मूंगफली तेल में। चलिए इसे निकाल लेते हैं हम। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें हम पोहा बनाना शुरू करते हैं साबूदाने का। इसके लिए देखिए हमने 2 से 3 बड़े चम्मच घी ले लिया है। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ करें, घी में ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। चलिए इसे हम गर्म होने देते हैं थोड़ी देर। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले जीरा, साबुत जीरा ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और ये हमने डाल दिया है करी पत्ता, मीठी नीम, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। बारीक कटे उबले हुए आलू हम ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बारीक कटा टमाटर, सेंधा नमक हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो नॉर्मल नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्रत के लिए अगर बना रहे हो तो सेंधा नमक का यूज करें। और ये देखिए, ये 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, इसे भी अच्छे से आप मिला लीजिए सब्जियों के साथ और इसे पकने दीजिए। चलिए हम इसे ढक करके 2 मिनट पकने देते हैं। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं साबूदाना। अच्छे से आप मसाले के साथ इसे मिला लीजिए। जैसे मिला लेने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मूंगफली और हम कटा हुआ जो बारीक कटी धनिया पत्ती थी वो भी ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। और ये हम लास्ट स्टेप इसमें कर रहे हैं, एक नींबू जो है हम इसमें
अच्छे से नींबू का रस इसमें डाल देंगे एक चम्मच। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। तो चलिए अब हम इसे फ्लेम से उतार लेते हैं और ये देखिए बन के तैयार है साबूदाने की खिचड़ी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। हमारे चैनल कुकिंग विद चित्ररेखा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।